हेलो एवरीवन, आज का सेशन है सैंड मोल्डिंग। ये भी कास्टिंग के अदर टॉपिक्स की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर और अदर बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखने के बाद बनाइए, लेकिन बनाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैंड मोल्डिंग से। जो भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे इससे, वो वही सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है मोल्ड। व्हाट इज़ मोल्ड? तो जहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑप्टेन करते हैं मोल्टन मेटल को पोर करने के बाद, वो कहलाता है मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़। जो क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डेफिनेशन है, उसको याद रखना। क्वेश्चन राइज होता है इसके प्रॉपर्टीज से। पहला आता है रिफ्रैक्टरीनेस। तो सैंड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? रिफ्रैक्टरीनेस। तो इट एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड डज नॉट फ्यूज एट हाई टेम्परेचर। तो सैंड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। ये पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में ग्रीन स्ट्रेंथ होता है, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है? तो ग्रीन स्ट्रेंथ को, या वेट स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है और ये सैंड मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। तो ये हो जाता है। और जब सैंड मॉलिक्यूल, जब ये ग्रीन स्ट्रेंथ के अंदर, जब इसके वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट कर जाते हैं, तो वो ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद उस मोल्ड को विथस्टैंड करे हाई टेम्परेचर पे, तो वो कहलाता है ड्राई। नेक्स्ट आते हैं हॉट टेम्परेचर पे। तो हॉट क्या है? ये सारी स्ट्रेंथ की ही कैटेगरीज हैं। उसको जब सैंड मोल्ड जो है ठंडा, जैसे कि उसमें मॉल्टन मेटल पोर करने के बाद उसके आसपास के सैंड जो होते हैं उसके टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो जो टेम्परेचर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उसको विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी जो हो वो कहला जाता है हॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आप पूरा लाइन पढ़ लेना। आफ्टर पोरिंग मॉल्टन मेटल मोल्ड केप्ट फॉर सम टाइम टू कूल डाउन। एट दैट टाइम टेम्परेचर ऑफ ए सैंड विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड दैट टेम्परेचर। तो ये जो लाइन लिखे गए हैं ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक एक सारी चीज़ें पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ उसका जो पॉइंट है सिर्फ मैं वही बता रही हूँ। आप लोग डेफिनेशन यहाँ से देख लेंगे, पॉइंट जो लिखना है अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं सब पॉइंट से पूछे गए हैं। फ्लोएबिलिटी क्या है? तो सैंड सैंड के अंदर फ्लोएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिससे उसे मोल्टन मोल्ड बनाने में यूज़फुल होता है। ठीक है, ये सैंड की प्रॉपर्टी है। फिर है परमियाबिलिटी। तो परमियाबिलिटी ये है कि मोल्टन मेटल, ये अगर मोल्ड है तो सबसे पहले क्या होता है कि गेट से यहाँ पे मोल्टन मेटल जब पोर किया जाता है तो रनर के हेल्प से या फिर जब गेट के पास जाता है तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा एयर एब्जॉर्ब हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर एब्जॉर्ब हो जाता है। उस समय एब्जॉर्ब होने के बाद उसे एस्केप करने के लिए क्या होता है, वैसे सैंड चाहिए जो कि पोरस हो। ठीक है, तो सैंड की ये प्रॉपर्टी है कि पोरस होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही होता है परमियाबिलिटी, जब गैस मॉलिक्यूल को वो एस्केप कर सके वैसा सैंड चाहिए। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी आपका। फिर कोहेसिवनेस है। कोहेसिवनेस ये है कि सैंड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो हो जाता है कोहेसिव फोर्स। और अब जब एडहेसिव फोर्स, वो होता है जब सैंड मॉलिक्यूल और ये मोल्ड के बीच में जो फोर्स होता है, मोल्ड के सैंड ये मोल्ड ये जो सैंड के मोल्ड हैं इनके बीच में और सैंड के बीच में जो फोर्स होता है वो कहलाता है को एडहेसिव।
और कोहे से हो गया सैंड के बीच के, सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स हुआ वो हो जाता है कोहेसिवनेस। तो ये हो गया एक अदर प्रॉपर्टी। फिर कोलैप्सिबिलिटी क्या है, मोल्ड तैयार होने के बाद, प्रोडक्ट मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि मोल्ड को तोड़ देते हैं। फिर जो ये तोड़ते हैं जब, तो ये इजीली टूट जाए, अलग हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट हो जाना चाहिए सैंड इजीली हमारे प्रोडक्ट से, मोल्ड सैंड इजीली प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाने चाहिए। तो ये एक अदर प्रॉपर्टी है। फिर है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, टू विदस्टैंड हीटिंग एज वेल एज कूलिंग ऑफ अ सैंड। तो ये क्या है, हम किसी भी सैंड को कितनी बार हीट कर सकते हैं, कितनी बार कूल कर सकते हैं, कितनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितनी बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार, ठीक है, तो वो कहलाता है ड्यूरेबिलिटी। फिर आता है केमिकल रेजिस्टिविटी, ये है टू रेजिस्ट द केमिकल रिएक्शन इन द मोल्ड। जब हम मॉल्टन मेटल को मोल्ड में ऐड करते हैं तो उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो बीच में, ठीक है, उसको रेजिस्ट करना, ये हो जाता है केमिकल रेजिस्टिविटी। तो सारे पॉइंट जो है ना आप याद रखेंगे या आप लिख लीजिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ना बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, बहुत यूज़फुल आएंगे आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। तो क्वेश्चन जो है इससे भी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने देखा उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन आर के जैन की बुक में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे और पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर से बनाएंगे। जैसे कास्टिंग डिफेक्ट था उसी तरह से इसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी कास्टिंग के ही है। अगर एसएससी में नहीं पूछता है तो दूसरे पीएसयू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, अगर पीएसयू नहीं है तो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग क्या है, अब सेवरल टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड है। फर्स्ट आता है ग्रीन सैंड मोल्डिंग। तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग के कंपोजिशन से सिलिका है, सैंड, क्ले, सबका इसका कंपोजिशन, क्ले का कंपोजिशन याद रखना है आपको, वाटर का कंपोजिशन याद रखना है, और ग्रीन सैंड में काउ डंग भी होता है, ठीक है, इसको ये मॉइस्चर होता है इसके अंदर, ठीक है, ग्रीन सैंड, तो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसे यूज़ कहाँ करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस, मतलब आयरन के प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर नॉन आयरनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, इनके एलॉयज के लिए यूज़ करते हैं, किसे, ग्रीन सैंड को, और ये इसमें मॉइस्चर होता है, तो ये याद रखना है इसको, इसके कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रीन के बाद आता है ड्राई सैंड। तो जब ग्रीन सैंड को हम ड्राई कर देते हैं, उसको इवेपोरेट कर देते हैं, तो उसके बाद ये ड्राई हो जाता है, तो ये ड्राई सैंड हो जाता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि लार्ज कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब मुझे बड़े बड़े कास्ट ऑप्टेन करना हो प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए होता है ड्राई सैंड का यूज़ करते हैं, और ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। नेक्स्ट आते हैं लोम सैंड, इसके कंपोजिशन को भी याद रखना है, इसमें 50% ऑफ क्ले होता है, सबसे ज़्यादा जो क्ले है इसमें ही होता है, ठीक है, ग्रीन सैंड में 15 to 30 होता है और लोम सैंड में 50% ऑफ क्ले होता है, इसे याद करने का तरीका है। और ये भी यूज़ करते हैं लार्ज कास्टिंग के लिए, प्लस इसका जो प्लास्टिक पेस्ट टाइप का होता है ये सैंड, ठीक है, इसके अलावा इसे ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं भूल गई थी, ग्रे कास्ट आयरन के कास्टिंग के लिए हम लोम सैंड को यूज़ करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर क्या है पार्टिंग सैंड, पार्टिंग सैंड क्या है, रेजिस्ट स्टिकिंग ऑफ अ पैटर्न फ्रॉम द सैंड, दैट्स वाई पार्टिंग सैंड इज स्प्रेड अक्रॉस द मोल्ड। तो ये हमारे पास कोप एंड ड्रैग होता है ना, उसके बाद यहाँ पे हम इस मोल्ड को रखते हैं, इसके चारों तरफ से पार्टिंग सैंड को स्प्रेड कर देते हैं ताकि इसके साथ चिपके ना, यहाँ पे जो सैंड है उसके साथ चिपके ना, अ पार्ट ऑफ दिस इस सैंड इसके वॉल पे भी स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके सैंड इस पे ना चिपके, ठीक है, तो ये पार्टिंग सैंड की ये प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रिजिस्ट स्टिकिंग ऑफ अ पैटर्न फ्रॉम द सैंड, दैट्स वाई द पार्टिंग सैंड इज स्प्रेड अक्रॉस द मोल्ड, मोल्ड के अक्रॉस इसे स्प्रेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड क्या है, जब मोल्टन मेटल, ये मोल्ड है,
ये आपका मोल्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये पूरा सरफेस, सरफेस पे कुछ ना कुछ तो कोटिंग होगी ना, हमें इस पे क्या करना है, मॉल्टन मेटल को पॉर करना है। तो मॉल्टन मेटल डायरेक्ट इसके वॉल पे तो वॉल से तो कांटेक्ट में आएगा नहीं, इसके चारों तरफ से अगर मॉल्टन मेटल वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो कोई भी रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे फेसिंग सैंड यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि ये इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर के इसकी जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई, यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्टरीनेस या रिफ्रैक्टरीनेस या फिर स्ट्रेंथ को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम फेसिंग सैंड का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि यहाँ पे फ्रेस मोल्टन, ये जो मोल्ड है ना, इसके यहाँ पे चारों तरफ फेसिंग सैंड हम अप्लाई या स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और फेसिंग सैंड, एक और बात है कि फेसिंग सैंड जो है कॉस्टली होती है, कॉस्टली आती है, इसीलिए हम इसे कम यूज़ करते हैं। आगे मैं बताऊंगी इसके कंपोजिशन जो है क्ले और सिलिका ही होते हैं, ठीक है। इसके साथ और कोई एडिटिव नहीं होता है, तो इसे याद रखिएगा कि क्ले और सिलिका होते हैं। और ये बैकिंग सैंड, देखो क्योंकि मैंने बताया आपको कि फेसिंग सैंड जो है वो कॉस्टली होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि बैकिंग सैंड इसके चारों तरफ अप्लाई करते हैं या स्प्रेड कहते हैं करते हैं। उसके बाद ऊपर से, मैं इसे अलग अलग कलर में दिखा रही हूँ, ऊपर से फेसिंग सैंड अप्लाई करते हैं। कम अप्लाई करना हुआ ना, क्योंकि ये कॉस्टली है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई हुआ फेसिंग सैंड, देखो ये वाला जो मैंने कलर से दिखाया है फेसिंग सैंड है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है तो इसे हम कम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये बैकिंग सैंड के लिए, बैकिंग सैंड पहले यूज़ किया गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे है सिस्टम सैंड, इसके कंपोजिशन क्या है। सैंड है, बाइंडर है, एडिटिव है, ये सब यहाँ से ऐड करते हैं। फिर यूज्ड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ए कास्टिंग, तो स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, सिस्टम सैंड के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कोर सैंड। कोर सैंड है कोई भी ये मोल्ड है, अब इसमें मोल्ड में मुझे क्या करना है, होल क्रिएट करना है, ठीक है। होल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोर ऐड कर देंगे। ये कोर जो है बीच में यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि इसमें होल क्रिएट हो सके, यहाँ पे कोर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब कोर, जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब जब हम इसे हटाएंगे यहाँ से, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से हटा दिया तो फिर क्या, होल क्रिएट हो जाएगा, हमें जो ऑप्टेन जो चाहिए था वो हमें ऑप्टेन हो जाएगा, ऐसे होल। इस तरह से नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया यहाँ से। अब देखो इतने क्वेश्चन तो आपके 14 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15, बस उसमें से, बट उसमें से 14 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे इतने नॉलेज के बाद। बस एक क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन, द ट्रॉयल इन अ फाउंड्री शॉप इज यूज टू, ये वाला जो क्वेश्चन है आर के जैन की बुक में था। ये क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आपको ये वाला पूरा बता दिया है ताकि आप को अगर इसके अलावा भी कुछ पूछे, हालांकि ये सारे फाउंड्री शॉप के ही कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, इसके फिगर से वाकिफ हैं, बट सिर्फ हो सकता है कोई नाम नहीं जानते होंगे। तो देखो वन बाय वन सबके नाम देख लेते हैं। शॉवल क्या है, देखो कॉमनली यूज्ड फॉर फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप क्या है, इज द प्लेस वेयर द मेटल कास्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग एंड पावरिंग द मोल्टन मेटल, ठीक है। अब शॉवल क्या है, दिस टूल इज यूज फॉर मिक्सिंग एंड टेम्परिंग द मोल्डिंग सैंड। आप सब ने ये देखा है, जो आपको फिगर सामने दिख रहा है ये सब आप देख चुके हैं, एंड मूविंग द सैंड पाइल ऑफ टू फ्लास्क, ठीक है। ये इसको कहते हैं शॉवेल। कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप इसे कास्टिंग के
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, या कास्टिंग के ये कंपोनेंट है, फाउंड्री शॉप में ये मिलता है, इसके किसका क्या वर्क है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप ये डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। मतलब वहाँ पे अगर मेंस में आया, मेंस के एग्जाम में अगर आता है डेफिनेशन वगैरह, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपकी अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन था ये वाला, देखो ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड टेम्परिंग ऑफ अ मोल्डिंग सैंड। व्हाट इज टेम्परिंग? टू इम्प्रूव द हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ अ मेटल बाई रीहीटिंग एंड कूलिंग इज सेट टू बी टेम्परिंग। ठीक है, बहुतों को पता है, नहीं जिनको पता है वो यहाँ से बेझिझक लिख सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं। ट्रॉवल क्या है? यही था क्वेश्चन में, यही था, ट्रॉवल इज यूज टू शेप एंड स्मूथ द सर्फेस ऑफ द मोल्ड। तो यही था क्वेश्चन, ट्रॉवल का क्या वर्क है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रॉवल, सबको पता है ये चीज़ें, ये फिगर सबने देखा है। लेकिन हो सकता है कि किसी को ये डेफिनेशन नहीं पता होगा, किसी को इसका वर्क नहीं पता होगा, किसी के लिए नाम नया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी के बाद याद रखेंगे आप कि ट्रॉवल किसको कहते हैं, शॉवल किसको कहते हैं। फिर है रिडल, रिडल इज स्क्रीन और अ सीव यूज टू रिमूव स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल। ठीक है, इसे याद रखना, इसे रिडल कहते हैं। फिर रैमर है, इज यूज टू कंप्रेस द मोल्डिंग सैंड एंड दिस हैंड रैमर इज मेड अप ऑफ अ टूल रिजेंबल्स लाइक अ हैंडलेस मैलेट। तो ये इसको कहते हैं रैमर, ये फ्लैट फ्लैट होता है एक साइड से और अदर एंड से ब्लंडेज होता है, ये रैमर है। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ स्पाइक, तो हम अपने मोल्ड से प्रोडक्ट को अलग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉ स्पाइक। ठीक है, पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, इस स्पाइक से, देखो दिस टूल इज यूज टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, तो ये से हो गया। फिर है स्वैप, दिस इज मेड ऑफ अ हेम्प एंड यूज फॉर अप्लाइंग वाटर टू मोल्ड अराउंड द कॉर्नर एंड एजेस ऑफ द पैटर्न। ठीक है, तो वाटर स्प्रेड करने के लिए इसे यूज करते हैं, ये इतना हो गया। अभी जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था उसके आंसर्स हैं, आप लोग प्लीज़ आंसर नहीं देखना अभी, लेकिन क्वेश्चन बनाने के बाद हो आपको अगर डाउट हो तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। हालांकि अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो क्वेश्चन तो निश्चिंत ही बनने चाहिए, लेकिन अगर किसी को भी कहीं से भी कोई डाउट हो तो आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे लगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हो सकता है कि अगर किसी से नहीं बन रहा होगा तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लो यहाँ से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। और हाँ, इस सैंड मोल्डिंग को पढ़ने के बाद कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये देखो हो गया, ओके, थैंक यू।